यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग सही होंगे। तो देखना भाई आ चुके हैं। कल आ गए थे घर पे, बुला लिया था, थोड़ा काम था। दानान का दान वैच ले जाएंगे, लाइट जगड़ लेगी मिस्त्री का, आएगी मिस्त्री जाएगी जी की मिस्त्री हो तो पंखा वंखा लाइट और सुधार ले। देखिए फ्रेंड, मम्मी आ गई हैं दूध लेके चाय के लिए। आप भी लोग आए फ्रेंड। ये रन्नू, इसी का बर्थडे था उस दिन, तो मैं नहीं आ पाया था और शालिनी को मैंने भेज दिया था। ये बोले कि मौसा जी तुम नहीं आओगे हैं, ये बोली तुम बोलो। फ्रेंड शालिनी ने मुझको कल बुला लिया था यहाँ पे, और इनके कोई यहाँ पे कोई भाई वगैरह नहीं है और पिताजी भी नहीं है, और यहाँ पे बहुत सारा काम था इसलिए मुझको आना पड़ा यहाँ पे। और मैंने इनको 2-3 दिन पहले से ही मतलब भेज दिया था कि वहाँ पे जाओ और तुम थोड़े कटवा लेना धान वगैरह, तब मैं बाद में आऊँगा। तो मैं आ गया हूँ, अब मैं जाऊँगा आज मंडी। चाय बन के रेडी हो गई है, आप सब आ जाइए चाय पीने के लिए। ये रहा धान, और इस हाली ने कटवा के डलवा लिया था अपने घर पर, और मैं इसको आज ले कर जाऊँगा मंडी बेचने के लिए। आजा, हम लोग जा रहे हैं खेतों पर। ये रही शालिनी, ये रही शालिनी की दीदी। मेरा खेत बहुत ही पास में है, बोरा घर, ये रहा खेत। खेतों पर आ गए हैं। ये बाजरे की फसल लगी हुई है इसमें, इसी के पास में ये एक और रहा खेत, इसमें पपीते की फसल लगी हुई है। तो फ्रेंड कुछ पौधे गिर भी गए हैं यहाँ पर, पता नहीं किस वजह से गिर गए। ये देखो कितने अच्छे, इतने बड़े बाग में शालिनी पता नहीं कहाँ चली गई वे, और हम बिना ढूंढ रहे हैं। खेल तो गई हैं जो हैं, तो पके हैं हमें पपीता। अच्छा, फल तो बहुत मस्त लगे हुए हैं। ना तुम खोए जाओ, पपीता खाना है। देखो मेरे यहाँ कितनी बड़ी बगिया है पपीतों की, आप लोग भी बताओ आपके यहाँ पपीते होते हैं, आप कम जरूर बताना कमेंट में। और पपीते बहुत अच्छी सब्जी लगती है कच्चे पपीतों की, और बर्फी भी जम जाती है, लव या ना हो तो पपीते ही काम आ जाते हैं। देखो पत्ते भी काम आते हैं, पत्ते भी काम आते हैं, डेंगू में काम आते हैं पपीते, बहुत फायदेमंद होते हैं। देखो कितने सारे लोग हैं, देखो बिट्टी डांस, देखो डांस शूटिंग हो रही है वीडियो की, बिट्टी गाना गा रही है, पपीता मजेदार यार मेरी बगिया में है मजेदार। देखो कितनी सारी बगिया है, मुझे तो मजेदार दिख नहीं रहा, क्यों काय के तुम बोल रही, पपीता मजेदार यार मेरी बगिया, कहां पपीता लगे जाऊं दिखाएंगे, काय नहीं मजेदार है। मैं देखूंगी कितने बड़े बड़े पपीता लगे होंगे, पके हैं तभी पता चले हैं, कच्चे हैं अभी, ताकि मुझे ऐसा कह रहे हैं काम मज़ेदार है, लेकिन पके खाए में इनको अभी मिल। ये 5 साल पपीता लगाई गई थी लहसुन में, देखो पपीता की फसल, देखो ये अभी लगाई हुई है लहसुन में, लहसुन में ये बाजू होती है उस पर पपीता की फसल लगाई हुई है। देखो ये छोटे छोटे अभी पपीते हैं। मिट्टी जी किन को खेत है? छोटे नाना जी का खेत है। अच्छा ये देखना नींबू का पेड़ है, अभी इस पर नींबू लगे नहीं है। ये सेमी का पेड़ है, इस पर सेमी सब्जी बनाई जाती है। कितने प्यारे हैं इस की तरह। मैं पूरे बाग में घुमाया, लेकिन ये 2 पौधे पे पपीता मिले, देख कितने अच्छे फल हैं। तो कच्चे है ना, ताकि वजह टपक जा रहे हैं अपने घर पे, अब घूम लिया है, अब जा रहे हैं वो घर पे, बहुत मौज मस्ती की है। बाली जो घूमियों कितनी अच्छी लगा था।
देखिए फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं घूम घाम के और यहाँ की लाइट चली गई है, अब अंधेरा हो गया यहाँ पे। अब वीडियो यहीं पर अपना एंड करते हैं और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। ओके बाय।